विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने लेखानुदान मांगों पर चर्चा करते हुए सरकार से पूछा कि सरकार ने ये नहीं बताया कि सरकार 89,000 करोड़ रुपए कहां से लाएगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कल्पनाओं के आधार पर 89,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया है। अनुपूरक बजट से आज साबित हो गया है कि किसानों की ऋण माफी की जो बात इन्होंने की है पूरी तरह से खोखली। 6,000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान, इससे कुछ नहीं होना है। और जहाँ तक लेखानुदान का सवाल है उसमें पूरी लेखानुदान जो है 89,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये नहीं बताया कि आय कहाँ से होगी 89,000 करोड़ रुपये, क्योंकि ये 4 महीने का व्यय है जो उन्होंने बताया है। तो 4 महीने में ये आय कहाँ से लाएंगे, जब कह रहे हैं एक बार कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन 89,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किस मद से किस तरह से करेंगे। वहीं वित्त मंत्री तरुण भरनोट ने नेता प्रतिपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ना कोई नया प्रस्ताव लाई है, ना ही कोई कटौती की है, ना ही कोई टैक्स बढ़ाया है, फिर भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। भरनोट ने ये भी कहा कि सरकार की आय बढ़ रही है, खर्च पर नियंत्रण है, इस पर विपक्ष के पेट में जो दर्द हो रहा है वह समझ से परे है। हम वो हर कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा टैक्स के रूप में प्राप्त होता है उसका पूरी तरह से सदुपयोग हो, उसका मिसयूज कहीं ना हो। मैंने कहीं भी कटौती की बात नहीं की आज तक, मैंने हमेशा एक बात कही कि कटौती शब्द तो अच्छा ही नहीं लगता, और कटौती किससे, अपने प्रदेश के लोगों से, विकास के कामों में कटौती, जनकल्याणकारी योजनाओं में कटौती, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो कांग्रेस की सरकार ने सीखा ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन लागू होना चाहिए। कम पैसे में जो काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है तो वहाँ पैसे की बर्बादी क्यों होना चाहिए। तो अगर हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन लागू कर रहे हैं, हम तो ये मानते हैं कि विपक्ष के साथियों को भी हमारी पीठ थपथपाना चाहिए। हाँ, अगर हम अनाप शनाप खर्च करें और उसका हिसाब ना दें जो पहले की सरकार में होता था, हमारा विरोध करें तो समझ में आता है। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, एक परंपरा को निभाना कि एक पक्ष सत्ता का है एक पक्ष विपक्ष का है, ये अच्छी बात नहीं है। सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश का सब मिलकर करें, हम तो उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आइए सुझाव दीजिए। अभी अनुपूरक आया है, मुख्य बजट आना है, क्यों नहीं, मैंने सदन में भी कहा, किसी भी एक सम्मानीय सदस्य ने एक भी सुझाव नहीं दिया, आप सब वहाँ मौजूद थे, कि नई रेवेन्यू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं कि रेवेन्यू भी जनरेट हो और रोजगार भी बढ़े, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ विरोध करने के लिए हल्ला मचाना ये अच्छी बात है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।